नमस्ते, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा वीडियो लेकर आई हूँ। तो आज मैं इस पुरानी जींस का रियूज करने जा रही हूँ और आज तक का मेरा सबसे बेस्ट रियूज है जींस का। तो वीडियो पर बने रहें और वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस वीडियो बनाने के लिए मेरे को 2 दिन की मेहनत लगी है, क्योंकि इस प्रकार का जो ये जींस, पुरानी जींस से मैं जैकेट बना रही हूँ, तो पहले कभी बनाया भी नहीं था इस प्रकार का कोई भी आइटम मैंने। तो पहली बार ही बना रही थी तो मेरे को डर भी लग रहा था, पर बनने के बाद में बहुत ही प्यारा बना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें इस जैकेट की स्लीव की कटिंग करूँगी। तो स्लीव आपको जितनी रखनी है उतना लंबाई में आप पहले कटिंग कर दें। तो देखिए, जो जींस का बॉटम पार्ट है, नीचे मोरी का पार्ट है, वहाँ से हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव की लंबाई मैं रख रही हूँ 17 इंच। तो यहाँ पर 17 इंच पर निशान लगाते हुए सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और फिर कपड़े की कटिंग कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पर सीधी लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है और अब इसी लाइन के ऊपर हमें कट करना होगा। तो कटिंग मैंने कर दी है इसी प्रकार, इसी कपड़े को दूसरी तरफ रखते हुए और इसी के बराबर साइज की हमें कटिंग करनी होगी। तो बराबर में फिक्स रख देंगे तो दोनों ही कपड़े बराबर माप के कट हो जाएंगे। तो देखिए, दूसरे वाले पार्ट की भी हम कटिंग कर देंगे। तो दोनों ही पार्ट की हमें कटिंग कर दी है। अब इन दोनों को हम साइड में रख देंगे, स्लीव की कटिंग हम बाद में करेंगे, मतलब शेप बाद में देंगे इनकी। तो इसको साइड में रख देंगे। अब जो ऊपर वाला पार्ट है, उसके बेल्ट लगाने के लिए जो स्ट्रेप लगी हुई होती हैं, इन स्ट्रेप को हम निकाल देंगे, मतलब इसकी सिलाई उधेड़ देंगे और इनको निकाल देंगे। तो देखिए, जो स्ट्रेप थी उनको मैंने हटा दिया है। अब हमें क्या करना है कि जो बेल्ट है उससे नीचे आधा इंच की, मतलब छोड़ते हुए, कपड़ा छोड़ते हुए बेल्ट की कटिंग कर देंगे। तो बेल्ट की कटिंग मैंने कर दी है। अब पीछे से पॉकेट की सिलाई निकालते हुए इनको भी हम हटा देंगे। तो दोनों पॉकेट भी हमने हटा दिए हैं। अब हमें करनी है जैकेट के फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो इस प्रकार जींस को बराबर साइज में रख देना है हमें। और अब हम सबसे पहले इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई में हमें रखना है 16 इंच, पूरी इसकी वहाँ जेब तक इसकी लंबाई आ रही है 17 इंच। तो हमें बैक पार्ट में 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। तो इसके लिए इसकी लंबाई हम 16 इंच रखेंगे, जिससे हमारा बैक पार्ट की लंबाई भी बढ़ जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 16 इंच पर निशान लगाते हुए यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है और 1 इंच वहाँ पर हम आगे फोल्डिंग के लिए रखेंगे, जहाँ पर हम बटन वगैरह लगाएंगे और फिर हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो 7 इंच पर मैं यहाँ पर शोल्डर का निशान लगा दूंगी। 7 इंच पे ही इसका आर्म होल का निशान लगाएंगे। देखिए, इस प्रकार यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और देखिए, आर्म होल की गोलाई भी दे देंगे। और जैसे कि चेस्ट साइज का निशान मैं लगा रही हूँ 8 इंच पे, और थोड़ा सा कपड़ा 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा है तो सिलाई मार्जिन के लिए रह जाएगा। और नेक में का निशान लगाऊंगी 2.5 इंच पर। तो इस प्रकार सारे निशान लगाते हुए मैंने कपड़े की कटिंग कर दी है। अब फ्रंट पार्ट को इस प्रकार दूसरे वाले कपड़े पर रखते हुए बैक पार्ट की ही कटिंग कर देंगे। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ऊपर से सिर्फ 1 इंच बढ़ाना है हमें लंबाई में। तो यहाँ पर 16 इंच पर मैंने निशान लगाया था, तो यहाँ पर 17 इंच पर निशान लगाते हुए देखिए सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। बाकी कटिंग वैसे ही कर देंगे बराबर में। तो देखिए, दोनों ही पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है। फ्रंट पार्ट 1 इंच ज़्यादा है और ये अंदर का पॉकेट का कपड़ा है, तो ये वैसे ही दोनों पार्ट को अलग अलग करेंगे तब निकल जाएगा, और नहीं तो आप कैंची से पहले कट भी कर सकते हो। फ्रंट पार्ट में आर्म होल की थोड़ी सी गहराई दे देंगे 1/2 इंच इतनी। और यहाँ पर अब गले की कटिंग भी कर देंगे। तो देखिए, गला में 3 इंच डीप रखूँगी। देखिए यहाँ पर, क्योंकि हमें कॉलर लगानी होगी तो इसके लिए 3 इंच ही चाहिए होगा। तो देखिए, यहाँ पर गोलाई पे जो मैंने निशान लगाए हैं उसके ऊपर हम अब कटिंग कर देंगे। तो देखिए, कपड़े की कटिंग मैंने कर दी है और दोनों ही पार्ट को मैंने यहाँ पर अलग अलग कर दिया है। और यहाँ पर मैंने वैसे भी 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा, तो उसको अंदर फोल्ड करते हुए बाद में सिलाई लगा देंगे।
तो यहाँ पर मैं शोल्डर से नीचे 6 इंच पर एक निशान लगा दूंगी दोनों ही पार्ट पर, और यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखिए यहाँ पर इसी प्रकार दूसरे वाले पार्ट पर भी हमें 6 इंच पर निशान लगाकर यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ करनी होगी। देखिए दोनों बराबर साइज में हैं, तो दोनों ही पार्ट पर मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। इसी प्रकार एक पार्ट में जो पॉकेट वाला था कपड़ा, उसको कट करके निकाल देंगे और यहाँ पर भी 6 इंच पर निशान लगाते हुए यहाँ पर भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने 6 इंच पर निशान लगा दिया है और यहाँ पर भी एक सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए तीनों ही पार्ट पर हमने यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगाकर एक सीधी लाइन बना दी है। अब यहाँ पर हम बैक पार्ट का थोड़ा सा शोल्डर डाउन कर देंगे और बैक पार्ट का गले की कटिंग हमें सिर्फ 1/2 इंच इतनी ही करेंगी, क्योंकि यहाँ पर कॉलर लगेगी तो वैसे ज़्यादा कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बैक पार्ट है। अब फ्रंट पार्ट पर जो हमने ये 6 इंच पर निशान लगाया था, उस निशान के ऊपर हमें ये मतलब पॉकेट तो नहीं, मतलब डिज़ाइन बोल सकते हो पॉकेट की शो के लिए, तो जो हमने ये पॉकेट निकाले थे जींस में से उनकी 1/2 कट कर देना है, और आप चाहो तो बड़ा भी लगा सकते हो। तो देखिए उन निशान पर इस प्रकार पॉकेट को रखते हुए दोनों पर सिलाई लगा देनी है। तो देखिए दोनों ही पॉकेट यहाँ ऊपर रखते हुए यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है, और सिलाई लगाने के बाद में या तो आप जींस का कपड़ा ले सकते हो और 2 स्ट्रिप बनाकर यहाँ पर अटैच कर सकते हो, और या इस प्रकार की देखिए जींस पर जो फोल्डिंग के बाद में सिलाई लगी हुई होती है, तो ये स्ट्रिप निकाल दो आप और इनको ऊपर रखते हुए सिलाई लगा सकते हो। तो इतना ज़्यादा कपड़ा नहीं है कि मैं अलग से इसकी स्ट्रिप बनाऊँ, तो मैंने इसी को निकाल दिया है और इनको ऊपर रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी। देखिए इस प्रकार, और इसी प्रकार बैक पार्ट पर भी जहाँ मैंने निशान लगाया है इसके ऊपर भी ये स्ट्रिप अटैच कर देना है, ताकि पीछे से कोई ऊपर उठा हुआ नहीं रहे कपड़ा और फिक्स फिट एकदम चिपका हुआ रहे। तो देखिए दोनों ही हमारा फ्रंट और बैक पार्ट में स्ट्रिप लगाते हुए दोनों ही तैयार हो गए हैं। देखिए इस प्रकार। अब हमें इसकी स्लीव की कटिंग करनी है, तो ये मोरी की कटिंग कर देंगे। पहले ये फोल्ड है जहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर कटिंग करके मैंने इनको हटा दिया है, और देखिए 3 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर स्लीव की शेप देंगे। देखिए इस प्रकार यहाँ पर स्लीव की शेप देते हुए कपड़े की कटिंग कर देंगे। तो इस प्रकार दोनों ही तरफ की स्लीव हमने कट कर दी हैं, और दोनों ही स्लीव हमारे तैयार हैं। और अटैच करते समय हम फ्रंट पार्ट में से थोड़ी सी स्लीव की गहराई कट कर देंगे। अब हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों के शोल्डर जॉइंट कर देंगे। तो देखिए इस प्रकार सीधी साइड अंदर रखते हुए दोनों के शोल्डर पर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए दोनों शोल्डर हमारे जॉइंट हो गए हैं। अब यहाँ ऊपर कपड़ा को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए दोनों ही हमारा अटैच हो गए हैं शोल्डर, और यहाँ पर भी मैंने कपड़ा को अंदर फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दी है। अब हमें इनकी स्लीव को अटैच करना होगा। तो जिस प्रकार हम नॉर्मल स्लीव अटैच करते हैं, उसी प्रकार इनको स्लीव को भी हमें अटैच कर देना है। तो देखिए स्लीव मैंने यहाँ पर अटैच कर दी है। देखिए इस प्रकार, तो स्लीव अटैच होने के बाद में देखिए यहाँ पर हमें कप बनाना है। तो यहाँ पर स्लीव के यहाँ पर 3 इंच पर, देखिए 3 इंच पर यहाँ इस प्रकार कपड़े को फोल्ड करना है दोनों ही स्लीव पर। तो दोनों ही स्लीव पर देखिए इस प्रकार फोल्ड करते हुए मैंने सिलाई लगा दी है। अब हमें इसका कप तैयार करना होगा। तो इसके लिए मैंने 2 इंच चौड़ी और 6 इंच लंबी एक पट्टी ली है। जो ये कप है 5 इंच का, तो यहाँ पर देखिए 1/2 इंच दोनों तरफ बच रहा है। और अंदर अस्तर के लिए आप कोई सा भी कपड़ा यूज कर सकते हो, तो मैं दूसरा कपड़ा यूज कर रही हूँ यहाँ पर, यह भी जींस का ही कपड़ा है वैसे तो। और इस प्रकार कपड़े को फोल्ड करते हुए और यहाँ पर एकदम घूम सिलाई लगानी है, मतलब
कपड़ा अंदर से कोई दिखना नहीं चाहिए, और कपड़ा इस प्रकार अंदर फोल्ड करते हुए दोनों तरफ सिलाई लगा देंगे। देखिए इस प्रकार, तो इसी प्रकार दोनों स्लीव के कप बनाने हैं हमें। तो देखिए दोनों ही तरफ मैंने ये कप बना दिए हैं, इस प्रकार एकदम फिनिशिंग से बने हुए हैं। अब नीचे की तरफ जो हमने वो बेल्ट की कटिंग करके निकाला था वो जॉइंट करेंगे, तो उससे पहले यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हमें फिटिंग की सिलाई लगानी होगी, दूसरी तरफ भी इसी प्रकार सिलाई लगा देंगे। तो देखिए दोनों ही तरफ मैंने सिलाई लगा दी है, अब इसको सीधा कर देना है और नीचे बेल्ट जोड़ना है। तो इसीलिए बेल्ट में हमें आधा आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा था यहाँ पर ये। तो बेल्ट को इस प्रकार रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देंगे, और थोड़ा सा बेल्ट एक्स्ट्रा आ रहा है तो जहाँ पर हमारे ये जॉइंट आ रहा है देखिए यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे, बीच में जो भी एक्स्ट्रा आ रहा है उसे कट करके फिर जॉइंट करते फिर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस प्रकार हमारा बेल्ट भी लग गया है। देखिए इस प्रकार यहाँ पर जॉइंट था तो यहाँ मैंने कटिंग कर दी है एक्स्ट्रा जो भी था उसको, और फिर उनकी सिलाई लगाते हुए फिर जोड़ दिया है। तो देखिए नीचे वाला बेल्ट भी हमारा लग गया है, अब ऊपर कॉलर लगानी है। तो उससे पहले यहाँ पर कपड़े को थोड़ा फोल्ड करना है, लगभग आधा इंच इतना अंदर फोल्ड कर देंगे और लंबाई में एक इंच। तो देखिए यहाँ पर मैंने फोल्ड कर दिया है कपड़े को, अब इसको दोनों यहाँ पर कोनों को मिलाते हुए इसको इस प्रकार रखना है, और फिर हमें कॉलर का माप लेना है कि कितनी लंबी हमें कॉलर लगानी होगी। तो देखिए यहाँ पर कोने की तरफ एक इंच छोड़ देंगे और फिर इसका माप लेंगे। तो माप आ रहा है 8 इंच, तो 8 इंच डबल में है तो 16 इंच की हमें कॉलर बनानी होगी। तो इस जीन्स में तो जो कपड़े बचे थे वो बहुत ही छोटे थे, मतलब चौड़ाई में कम पड़ रहे थे, और कॉलर हमें लगभग 4 इंच चौड़ी और 16 इंच लंबी तो तैयार करनी थी। ऊपर इन कोनों को निकालने के लिए भी 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा, तो 17 इंच हमें लंबा कपड़ा चाहिए होगा। तो इस प्रकार कपड़े को जोड़ते हुए मैंने ये तैयार किया है। तो देखिए इस प्रकार कपड़े को रख देंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो डबल कपड़ा लेना है तो एक कपड़े को यहाँ पर रखते हुए इस प्रकार सिलाई लगा देंगे। देखिए इस प्रकार, तो ये पहले एक कपड़ा लगाकर बताती हूँ मैं आपको। तो देखिए पहले मैंने एक कपड़े को यहाँ पर इस प्रकार रखते हुए सिलाई लगा दी है, दूसरे कपड़े नीचे की तरफ मैंने थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दी है। अब उसको उल्टा रखते हुए देखिए इस प्रकार उल्टा रखते हुए फिर यहाँ से और इधर से उस उधर तक सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस प्रकार यहाँ पर तीनों ओर से मैंने सिलाई लगा दी है, अब इसको सीधा कर देंगे। तो देखिए सीधा मैंने कर दिया है और यहाँ पर कोनों को अच्छे से निकाल देंगे, और देखिए सीधा होने के बाद में ये कपड़ा ऊपर आ गया है, और यहाँ पर इस प्रकार इसको रखते हुए सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई इसके चारों ओर लगानी होगी फिर पूरी सिलाई लग जाएगी इस प्रकार। तो देखिए पूरे पर ही मैंने सिलाई लगा दी है, और सिलाई लगाने के बाद में कुछ इस प्रकार हमारा कॉलर बनकर तैयार हुआ है। और मैंने भी इस प्रकार का कॉलर पहली बार ही बनाया है, तो कुछ आपको समझाने में भी परेशानी आ रही है। तो देखिए इस प्रकार हमारा बहुत ही प्यारा जैकेट बनकर तैयार हो गया है, बस इसमें बटन की कमी है। तो मेरे को जो इस जींस में लगाते हैं उस प्रकार के बटन मिले नहीं हैं अभी, तो मैंने नहीं लगाए हैं, और जब भी मेरे को ये इस प्रकार के बटन मिल जाएंगे तो मैं ज़रूर लगाऊंगी और आपको इसका शॉर्ट वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो आपको ये जैकेट बनाने का आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा, और कहीं पर भी समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगी। और आप कमेंट ज़रूर करिएगा जिससे मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर लाऊंगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।